पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा की नजर कांग्रेस की संगठन को तोड़ने पर है। ये आज की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इसके अलावा हरीश रावत ने चेतावनी दी कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आपदा राहत को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। बलूनी ने कहा कि आपदा के बहाने राजनीति हो रही है। तो वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत और मदन कौशिक की मुलाकात हुई, जिसके सियासी गलियारों में मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम अहम खबरें दिखाएंगे आपको इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से आई, जहां हरक सिंह रावत और मदन कौशिक की मुलाकात ने सुर्खियां बटोरी। मदन कौशिक के आवास पर यह मुलाकात हुई है और हरक सिंह रावत ने कहा है कि हमारी सामान्य बातचीत हुई। बातचीत के हालांकि सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत और मदन कौशिक की मुलाकात हुई है और क्या कुछ बातचीत हुई है। हालांकि देखिए, हरक सिंह रावत ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी सामान्य बातचीत हुई है, लेकिन जिस तरीके से हरक सिंह रावत से फोन पर बात की थी पूर्व सीएम हरीश रावत ने, उसके बाद भी सियासी मायने निकाले गए थे और उसके ठीक बाद ये बैठक हुई है मदन कौशिक और हरक सिंह रावत की। मदन कौशिक के आवास पर यह बैठक हुई है, तो इसके भी सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड की राजनीति में क्या चल रहा है। इससे पहले यशपाल आर्य बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं और लगातार जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उसके बाद ये सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जो है अगर जाना होगा तो वो फिर ये चर्चा चुर्चा नहीं करता फिर अलग से, इस मामले पक्का ठाकुर है वो, तो मैंने कह दिया भाई सबसे, और वो भी जानते हैं कि जब अगर कोई बात होगी तो मैं कुछ बात बता दूंगा कि भैया मैं ऐसा निर्णय लेने वाला हूँ। फिर अमित शाह जी से बात हुई है, मेरी नड्डा जी से बात हुई है, दुष्यंत गौतम जी से बात हुई है, मेरी कल धामी जी से बात हुई है, आज अध्यक्ष जी से बात हुई है, और मैं देखिए इस तरह अभी कोई इस तरह कोई इसी तरह कोई चर्चा नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैं तो कभी कभी खुद सोचता हूँ कि मैं तो माने नड्डा जी से भी कहा कि भाई ये बात कहाँ से आ रही है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। और चलिए सीधा देहरादून का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, देखिए हरक सिंह रावत कह तो रहे हैं कि ये सामान्य मुलाकात थी, ये सामान्य बैठक थी, लेकिन सवाल यह है कि सामान्य बैठक से सियासी पारा क्यों चढ़ गया है उत्तराखंड का? बिल्कुल प्राची, देखिए आपको ये देखना होगा आखिरकार भले ही दोनों नेता प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक या फिर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत दोनों ही इस बात को, इस मुलाकात को जरूर सामान्य करार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है, ऐसी देखना जरूरी होगा। क्योंकि हरक सिंह रावत हो या फिर उमेश शर्मा का, जो रायपुर विधानसभा से विधायक हैं और लगातार लंबे समय से इन दोनों लोगों की नाराजगी संगठन से लेकर तमाम नेताओं के साथ में दिखती रही है, और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उसके अलावा फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और आज फिर जो सियासी घटनाक्रम पूरा दिन रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरक सिंह रावत को पहले ब्रेकफास्ट पर बुलाते रहे, ब्रेकफास्ट पर हरक सिंह नहीं आए, उसके बाद में लंच के बाद भी वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन एक मुलाकात जरूर हुई है। दोनों ही नेता इस बात को सामान्य रूप दे रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे दिन सियासी घटनाक्रम उफान पर जरूर रहा था, क्योंकि ऐसी सियासी मायने इस बैठक के, इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लिहाजा तमाम प्रतिक्रिया इस पर आ रही है, लेकिन अभी हरक सिंह रावत ने जरूर इस बात को मना किए कि कांग्रेस में जाने का भी कोई इरादा नहीं है, और जब जाना जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि हरक सिंह रावत को कोई भी नहीं रोक सकता है, तमाम इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। और ख़ास बात यह है प्राची कि जो 2016 में सभी तमाम ये बागी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, यानी पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगुवाई में तमाम ये नेता कांग्रेस भाजपा में शामिल हुए थे, तो ऐसे में आज ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि विजय बहुगुणा देहरादून पहुंच चुके हैं, और जो जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि बागी खेमे के तमाम नेताओं के साथ में वो बातचीत कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें हरक सिंह रावत है, सुबोध उनियाल है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, प्रदीप बत्रा है और उमेश शर्मा काउ है, तमाम इन लोगों के साथ में बातचीत हो सकती है। इसके जो सियासी मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये जो हलचल है वो और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।